जीवन में सार वीतरागे ज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमः नमः दौलत राम जी कृत शहडाला नामक यह ग्रंथ है और इस ग्रंथ में कल तक हम यहाँ चार छंदों की चर्चा पूरी कर चुके थे। पांचवें छंद की एक पंक्ति हुई थी, दूसरी पंक्ति से अपने को आगे बढ़ना है। दौलत राम जी यहाँ हमारी कथा सुना रहे हैं कि हे भव्य जीवों, यदि तुम सुख चाहते हो, परमानेंट सुख चाहते हो, दुख का अभाव करना चाहते हो, तो ताहि सुनो भव्य मन फिर आन। जो बातें पूर्वाचार्यों के माध्यम से कही गई है, उन बातों को अपने मन को स्थिर करके सुनना चाहिए। अगर ठीक है, हम हमारे उपयोग को, हमारे मन को स्थिर करके सुनते हैं, कहो तो सही क्या कहना है। हम आपको आपकी कथा सुनाते हैं, अब सुन ले फिर कौन सुनावे। मतलब ये जिनवाणी, माने ये जो जिनवाणी की बात है, ये बात हम आपको सुनाते हैं और आप ही की बात सुना रहे हैं। बस सुनाओ कि आपको पता है आपका अतीत कैसा था, आपका इतिहास मालूम है आपको, आपको अपनी कहानी पता है, आप पहले कहाँ थे, क्या करते थे। तो काल अनंत निगोद में, यार अनंत काल तुम्हारा निगोद दशा में बीत गया एक इंद्रिय अवस्था को धारण करके, कि वहां करता क्या था। यदि अनंत काल मैंने एक इंद्रिय दशा में बिताया है, तो उस एक इंद्रिय दशा में मैं करता क्या था। ये कहते हैं, एक श्वास में अठ दस बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहता था और दुख उठाता रहता था, इसके अलावा दूसरा और कोई काम नहीं था। दुखों को सहन करने, दुखों को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। आप क्या करते थे, आप बताओ तो सही। आखिर आपने अनंत काल वहां एक इंद्रिय दशा में व्यतीत किया है, तो अनंत काल में किया क्या आपने, कुछ तो किया होगा। खाते पीते थे कि घूमते फिरते थे कि सोते थे कि कोई बिजनेस करते थे, क्या करते क्या थे वहां बैठे बैठे। कहा मैं तो जन्म मरण किया करता था। कितनी बार जन्म मरण किया तुमने, कि श्वास में 18 बार। देखिए ये जो कथन किया जा रहा है, ये दुखों की पराकाष्ठा बतलाने वाला कथन है। वस्तु स्थिति यह है कि सभी निगोदिया जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता। जितने भी निगोदिया जीव हैं, सबका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता। सिर्फ अपर्याप्तक निगोदिया जीवों का ही जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। ठीक है, इसलिए क्या समझना चाहिए अपने को, इस दुखों की पराकाष्ठा, निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था लिए और जहां से प्रारंभ किया है वहां की बात की, कि नित्य निगोद अवस्था में इस जीव का अनंत काल बीता और वहां क्या किया, आठ दस मतलब 8-10 बार है ना, 8-10 मतलब 18 बार। एक श्वास में 8-10 मैंने 8-10 नहीं 18 बार जन्म्यो जन्मा मर्यो मरा और भर्यो भोगता रहा। जन्म मरण भोगता रहा, भर्यो भोगता रहा, दुख भार दुखों से युक्त अवस्था। फिर कहते हैं चलो ठीक है, अब इसके बारे में तो आप और क्या बतलाओगे, जो आपने बता दिया ठीक है भोगे होंगे, फिर उसके बाद में क्या हुआ, आगे तो बताओ कि आगे क्या बताएं। जन्म मरण करता रहा, फिर और जन्म मरण करता रहा, और श्वास के 18 बार जन्म मरण करता रहा, कि फिर क्या किया, बस दुख दुख उठाता रहा और क्या, जन्म मरण और दुख उठाता रहा, यही चलता रहा। अभी कह रहे हैं कि यदि यही काम चलता रहा और इसी प्रकार से होता रहा, तो हमें ये तो बताओ उसके बाद में भी कुछ तो किया होगा। फिर ये कल तक अनंत काल बीत गया ऐसे करते हुए, उसके बाद में
कोई एक पुण्य संयोग तो, कोई एक ऐसा पुण्य का संयोग आया, सहज ही ऐसा कोई उदय बदला और वहां से नित्य निगोद से ये जीव इस तरह से निकल गया जिस तरह से भाड़ में से कोई चना उछट करके बाहर आ जाता है। बड़बूजा चने सेकता हो उसमें बड़े कड़ावे में, और उसमें चने सेकते सेकते उसको ढके भी हुए भी ऊपर से, और इसमें से कोई एकाध चना कोई उछल कर, और उछल करके उसका जो एकाध कोई जो कॉर्नर जो खुला रह गया उसमें से निकल करके बाहर आ जाए, कितना मुश्किल है। किसी चने, अब देखो ऐसे तो कोई भी आ सकता है, उसकी बात नहीं है, हम ये कह रहे हैं इतने चने के ढेर में उस कड़ाई में किसी एक चने के ऊपर आप अपना मार्क लगा दो, निशान लगा दो मार्कर पेन से। अब सुनो तो सही, अब वो जिस चने पे निशान लगाया है ना वो है हम, अब वो देख रहा है अब कब निकलेगा वो चना उछल करके। बोलो समझ आ रही है बात, कोई 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 निकल जाए की बात नहीं है, कोई चना जिस तरह से निकल करके बाहर आ जाए इस तरह से कोई जीव आता है, लेकिन कोई तो आते रहे हर छह महीने आठ समय में, छह तो आठ जीव निकल करके बाहर, हम कितनी दुर्लभता से निकले। छह महीने आठ समय में हमारा चांस कब आएगा, कब निकलने वालों में होगा, कितनी दुर्लभता है। इस तरह से अत्यंत दुर्लभता पूर्वक निकसी निकला वहां से, निकसी का अर्थ निकला, पांचवें छंद की दूसरी पंक्ति, निकसी भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी का एक, जल जल का एक, पावक अग्नि का एक, पवन वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति, क्या कहा, वनस्पति नहीं प्रत्येक वनस्पति थयो, इसका मतलब जो निगोद दशा जो थी वो निगोद दशा तो साधारण वनस्पति अवस्था की, पर्याप्तक अपर्याप्तक तो सब में होते हैं मनुष्य त्रियंचो में, निगोद में भी एक इंद्रिय है तो क्या हुआ। देखिए जो श्वास के अठारहवें भाग जन्म मरण लेने वाले निगोदियां हैं वो अपर्याप्तक निगोदियां हैं, और जिनकी उम्र लंबी होती है वो सिर्फ पर्याप्तक होते हैं, ठीक है ना, जिनकी आयु लंबी होती है वे पर्याप्तक होते हैं, निर्वर्त पर्याप्तक भी उसमें शामिल किया जा सकता है, दो तीन कैसे होंगे अपर्याप्तक कैसे होंगे जिनकी आयु लंबी, तो बाहर निकल गए, हाँ लेकिन है निगोदिया, लेकिन निगोद में ही रहे ना, दुख उठाने का काम या दूसरे सुखादिक की अवस्था तो नहीं हुई उनको, प्रतिकूलताएं तो जो की क्यों बनी हुई है उससे क्या फर्क पड़ गया, एक जेल से निकाल करके दूसरे जेल में भटक दिया तो क्या हुआ, कि नहीं नहीं साहब आखिर निकले तो सही, कहाँ निकले। अब वहां से देखो नित्य निगोद से निकला भी ये जीव, निगोद अवस्था से बाहर भी आया, लेकिन बाहर आकर के कभी पृथ्वी का एक हो गया, पृथ्वी ही जिनका शरीर है उन्हें पृथ्वी का एक जीव कहते हैं, जल ही जिनका शरीर है उन्हें जल का एक कहते हैं, अग्नि जिनका शरीर है उन्हें अग्नि का एक कहते हैं, वायु जिनका शरीर है उन्हें वायु का एक कहते हैं, और प्रत्येक वनस्पति 10 लाख प्रकार की है जो हरित काय दिखाई देती है हमारे, जल में जो जीव पैदा हुआ वो जल का एक निकलेगा, जल में जो जीव पैदा हुआ वो तो तरह जीव है, वो दूसरा जीव है, जल में जो जीव पैदा हुआ वो नहीं, जल ही जिसका शरीर है वो जल का ही, जल में जो जीव पैदा हुए वो मछलियां भी जल में पैदा होती है, पंचेंद्रिय सही पंचेंद्रिय चार प्रकार है वो भिन्न भिन्न। अभी अपने को यहाँ क्या कह रहे हैं अपन कि निकसी निगोद अवस्था से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति रूप अवस्थाओं को तुमने धारण किया, मैंने धारण किया, मैं नित्य निगोद से निकला था और नित्य निगोद से निकलकर अन्य स्थावर पर्यायों में परिभ्रमण करता रहा, क्यों किया परिभ्रमण, वो तो भूल जाने के काबिल नहीं है, कौन सी बात, भूल आपको भरमतवादी
ये बात ध्यान रखना पूरी चेड़ा वाला पहले पूरी पहली डाल में, पूरी पहली डाल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखने योग्य है, लोग क्या करते हैं पहली डाल का मतलब ये समझते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे दुख उठाए, लेकिन किस वजह से दुख उठाए, भटका क्यों, दुख क्यों उठा रहा है। अभी नरक के दुखों की चर्चा करेंगे, मनुष्य के दुखों की चर्चा करेंगे, तिरंज देव के दुखों की चर्चा करेंगे, तो क्यों कि भूल आपको भरमत वाली, ये सबसे पहले ही कह दी दौलत राम जी ने, बाद में कहते तो पता नहीं क्या, तो पहले ही कह दिया, याद रखना इस बात को, अपने आप को भूल करके, आत्म स्वरूप को भूल करके, निज स्वरूप को भूल करके, अपने चैतन्य स्वरूप को भूल करके, अपने पर का भान न होने के कारण, स्वपर भेद विज्ञान न होने के कारण, चैतन्य तत्व की खबर न होने के कारण, मैं हूँ जीव तत्व नित्य चेतना स्वरूप मेरो, इसकी खबर नहीं होने के कारण घर मत भ्रमण करता रहा, वादी व्यर्थ में ही कि कहाँ कहाँ भ्रमण करता रहा। तो अब वो कहते हैं आगे, समझ आ रही है बात, जब दौलत राम जी ने ये कह दिया कि भूल आपको भरमतवादी, तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि अपने आप को भूल कर कहाँ कहाँ भटकता रहा, आप बताते हैं कहाँ कहाँ भटका, ठीक है, नित्य निमूल अवस्था में बहुत लंबे काल रहा, वहां से निकल करके पंचस्थावरों में बहुत लंबे काल रहा। देखिए इसका अपन अन्वयार्थ पढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पर, निगोद में यह जीव एक सांस में 18 बार जन्मा और मरा, पेज नंबर 5 पर, निगोद में यह जीव एक सांस में 18 बार जन्मा और मरा, तथा दुखों के समूह सहन किए और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक जीव, जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव हुआ, तथा वायु का एक जीव और प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हुआ। कहते एक सांस में, सांस क्या चीज है, कल अपन ने बात की थी ना, सांस क्या है, क्या है भैया सांस, हाँ सांस मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति के नाड़ी धड़कन को धड़कने में जितना समय लगता है, एक बार धड़कने में, ठीक है ना, वो क्या चीज है, एक सांस, एक मिनट में बेहतर बात, माने पौन सेकंड में एक बार, तो पौन सेकंड का तो हो गया एक सांस, पौन सेकंड का एक सांस, और उसमें 18 बार जन्म मरण, 18 बार जन्म, 18 बार मरण और 18 बार का जीवन, जिएगा भी तो, जन्मा मरा और जन्मे और मरने के बीच में जिंदा रहा, दुख भोगा, दुख कब भोगेगा बताओ, जन्मा दुख भोगा जी करके और फिर मरा, और मरने की भी दुख कम नहीं है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि साहब जन्मा मरा दुख भोगने के लिए तो टाइम ही नहीं है, आप भी क्या कहते हो निगोद दशा में काई के दुख होंगे, टाइम का है उनके पास में दुख भोगने का। यहाँ दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं अरे ऐसा फुर्सत ही नहीं है हमारे को तो मरने की भी, कि तुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है ना, तुझे मरने से भी फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या जिनको मरने की फुर्सत नहीं है उनको मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी, ऐसी जगह पर पहुंचेगा जहाँ काम ही मरने ही मरने का रहेगा, अपने स्वरूप को नहीं जाने, हम स्वाध्याय करने की बात कहें, हम वस्तु स्वरूप का विचार करने की बात कहें, हम प्रवचन सुनने के लिए आने की बात कहें, हम ये कहें भैया थोड़ा बहुत समय अपने आप के लिए भी निकाला करो, थोड़ा बहुत समय जैन मंदिर में दर्शन करने में, भक्ति पूजन करने में भी अपना समय निकाला करो। अरे साहब आपको क्या मंदिर मंदिर लगी रहती है, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, ठीक है बेटा तुझे मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। क्या ऐसी बात करता है, तुझे पता नहीं है ये निगोद दशा कैसी अवस्था है, जन्मे हो मरे हो, जन्मे हो मरे हो,
निरंतर यही चलता रहा वहां और भरी और सहन की बर्दाश्त की और फिर रोता है दुख उठाता है अरे भगवान सोचता तो हुआ ना कुछ तो चलता होगा ज्ञान में दुख भुगता हुआ मैंने ऐसे क्या पाप किए मैं यहाँ से कब निकल जाऊंगा दुख भोगता रहता है सहन करता बर्दाश्त करने के अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है और निकलकर पृथ्वी काया दिख में भी आ गया तो आप क्या सोचते हैं कि यहाँ तो आपको भला हो गया भाई साहब यहाँ का काल भी बहुत लंबा है इस पृथ्वी काया दिख का काल भी बहुत लंबा है 21,000 वर्ष की 21 के 22,000 22,000 वर्ष की तो पृथ्वी काय की आयु है बोलो 22,000 वर्ष की आयु उत्कृष्ट आयु है किसकी पृथ्वी का एक जीवों की जल का एक जीव 7,000 वर्ष की आयु अग्नि का एक जीव 3 दिन की उत्कृष्ट आयु वायु का एक जीव 3,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु वनस्पति का एक जीव 10,000 वर्ष की उत्कृष्ट आयु आप सोचिए ऐसे इनमें बदल बदल करके कभी पृथ्वी का एक हो गया कभी जल का एक कभी वायु का एक फिर कभी पृथ्वी का एक फिर कभी वनस्पति का एक फिर कभी जल का एक फिर कभी वायु का एक फिर इनमें बदलते बदलते कितना काल व्यतीत कर दिया असंख्यात कल्प काल व्यतीत कर दिया तब तक ये जीव स्थावर दशा में रहा ये स्थावर एकेंद्रीय दशा का उत्कृष्ट काम है असंख्यात कल्प काल और कल्प काल क्या है कल्प काल क्या चीज है पता है आपको भक्तामर में 3 जगह आता है कल्प काल कल्पांत काल कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम 3 जगह प्रयोग है इस तरह का क्या अर्थ है कल्पांत काल का अपने भक्तामर चलाया था साल बड़ा साल पहले साल बड़े साल पहले 15 अक्टूबर को खत्म किया था अपने भक्तामर पिछले साल क्योंकि 16 अक्टूबर से आत्मा ने जाकर शुरू किया था कल्पांत कल्प काल कितना बड़ा काल है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी होता है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है और एक अवसर्पणी और एक उत्सर्पणी काल मिलकर के एक कल्प काल होता है माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी साल का नहीं सागर का और सागर कितना बड़ा है क्या सागरों की चर्चा है यहाँ तो सागरों के कम की तो बात ही नहीं है अभी नरक की चर्चा करेंगे देवगति की चर्चा करेंगे कहेंगे ये दुख बहु सागर लो सहे ऐसी बात कही सागरों पर्यंत ये दुख भुगता रहा सागर सागर का कहीं अंत दिखता है क्या सागर मतलब समुद्र जिस प्रकार समुद्र का सागर का कहीं अंत नहीं दिखता उसी तरह से यहाँ सागर भी काल की एक नाप है जिसका कहीं अंत दिखाई नहीं देता बहुत लंबा काल है भाई एक सागर का 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है अब पल्ले कितना बड़ा होता है ये आधा पल्ले की बात है इससे पहले उद्धार पल्ले और उससे पहले व्यवहार पल्ले एक व्यवहार पल्ले कितना बड़ा है तो दिमाग के ऊपर से जाए इतनी बड़ी बात है खड्डों में चलने वाली खड्डों में से निकले ही नहीं उसी में पड़ा रहे 1,000 योजन लंबा 1 योजन मान लो कम से कम समय में क्या है बात 1 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा सिर्फ 1 योजन कितना बड़ा होता है 1 योजन 2,000 कोस का हो 6,000 किलोमीटर आज 4 कोस का समझ लो 4 कोस माने 12 किलोमीटर लंबा 12 किलोमीटर चौड़ा और 12 किलोमीटर गहराई वाला गड्ढा और ऐसा जो गड्ढा हो उस गड्ढे को भर दो किससे उत्तम भोग भूमि के भेड़ के बच्चे के बाल से बहुत छोटा बालों में
हमारे बाल की जितनी मोटाई है इस मोटाई के 512 हिस्से करो, कैलकुलेट किया हुआ है पूरा गणित। अभी डिटेल में समझाने की बात नहीं है, किसी को समझना हो तो समझ लेना। हाँ खड़े नहीं, आड़ा, मतलब बाल जो है ना, बाल की नोक, बाल की जो नोक है ना, बाल की जो थिकनेस है, बाल की जो मोटाई है, हमारे बाल की मोटाई कितनी होगी, कितनी भी हो इतनी तो होती है कि हम दो उंगलियों के बीच में बाल को पकड़े और वो मोटाई महसूस कर सकते, इतनी तो होती है ना, मैंने कुछ तो उसकी मोटाई होती है। उस मोटाई के 512 पार्ट करो, अरे राम छीनो उसको, वो क्या छीन समझ लो आप उसको, आप क्या कितना क्या आएगी स्थिति, उसमें जो एक हिस्सा होगा, इतने बारीक तो बाल है वहां के, उत्तम भोग भूमि के तत्काल जन्मे 7 दिन के जन्मे हुए भेड़ के बच्चे के बाल। अब उस बाल के ऐसे टुकड़े करो जिससे दूसरा टुकड़ा नहीं हुए। अब ऐसे बालों से उस पूरे गड्ढे को भर दो, कौन सा गड्ढा, 12 किलोमीटर किया अपने, छोटा से छोटा मान करके भी, इससे छोटा तो कर नहीं सकता मैं, क्या करूं, इतने गड्ढे को उसको ऐसा भर दो। कैसे भरना है कि समझो आप एक बार पूरा भर दिया, फिर उसको हिलाओ उसको है तो थोड़ा दब गया हो, फिर और भरो, फिर और हिलाओ और भर दो, इतना भर दो उसको कि उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना चला दो, दबा दो उसको खूब ठकाठक, लबा लब भर दो उसको। अब भरने के बाद आचार्यों ने चर्चा की है कि 100 साल में से उसमें से एक बाल निकालो, सर ये दिमाग में कितने बाल हो, इतने हो गए होंगे, 45 अंक प्रमाण है, 45 अंक प्रमाण सरसों के दाने, ऐसी चर्चा की शास्त्रों में, व्यवहार पल्ले है वो, उसमें तो 100 साल में से एक एक निकालो, एक बाल, फिर 100 साल में दूसरा बाल, फिर 100 साल में तीसरा बाल, फिर 100 साल, 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 कुछ तो खाली हुआ होगा कि क्या बात करे, 8 बाल निकले, खाली करते 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 निकालने थोड़ी ना किसी को, एक बाल को निकालने में 2 हो गया, निकालेंगे नहीं, समझना। मैंने देखो आप अब ऐसे निकलते 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 निकलते, जब वो गड्ढा पूरा खाली हो जाएगा, कब हो जाएगा ये पूरा खाली, बहुत लंबा काल लगेगा, ऐसा खाली करने के लिए कोई व्यक्ति बैठा नहीं है, ये तो उपमा मान है, सागरोपम की चर्चा है, ये तो आचार्यों ने उस काल गणना को समझाया है, बतलाया है, जब वो गड्ढा पूरा खाली हो जाए तो होता है एक व्यवहार पल्ले, दोबारा गड्ढा भरो, वही गड्ढा उतने ही बालों से, और फिर 100 साल में एक एक बाल निकालो, जब दोबारा खाली हो जाए, क्या बात कर रहे हो, किसने कहा दोबारा खाली हो जाए, तो दो व्यवहार पल्ले फिर भरो और फिर खाली करो, फिर भरो 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 फिर खाली करो, 7 व्यवहार पल्ले हुए अभी, ऐसे करते 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 जब असंख्यात व्यवहार पल्ले पूरे हो जाएं तो एक उद्धार पल्ले, वापस गड्ढा भरना खाली करना शुरू करो, और भरते खाली करते भरते खाली, अरे भरना खाली करना मतलब 100 साल में एक एक बाल, ठीक है ना, जब वो ऐसे भरते खाली करते हुए असंख्यात बार फिर भर करके खाली हो जाए, 100 साल में एक एक बाल निकालते हुए असंख्यात बार पूरा हो जाए, तो एक और उद्धार पल्ले हो गया, दो उद्धार पल्ले हुए, फिर ऐसे असंख्यात बार हो जाए तो 3 उद्धार पल्ले, फिर असंख्यात बार हो जाए तो 4 उद्धार पल्ले, फिर असंख्यात बार हो तो 5 उद्धार पल्ले, 6 उद्धार पल्ले, 7 उद्धार पल्ले, 8 उद्धार पल्ले, बढ़ते बढ़ते असंख्यात उद्धार पल्ले हो जाए तब एक अद्धा पल्ले, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। अभी तो मैंने डिटेल की नहीं है सच में, मैं तो जल्दी निपटाने की वजह से मैं उसको और भाव भाषण उसका कराता तो आपको लगता है कि
ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या होता है, 10 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो, 10 कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ गुना करोड़, तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। ऐसा एक सागर एक बार, ऐसा एक सागर दूसरी बार, ऐसा एक सागर तीसरी बार, एक सागर चौथी बार, ऐसे एक एक सागर करते हुए जब 20 कोड़ा कोड़ी सागर बीत जाए तो एक कल्प काल होता है। नहीं नहीं अलग अलग उद्धार पल्ले तो द्वीप सागरों की संख्या गणना के काम आता है, ये अड्डा पल्ले है ये सागरों को आदि की नाप के काम आता है, मनुष्य त्रिंशों की मनुष्य त्रिंश में देव नारकियों की आयु के काम आता है, सबके अलग अलग उपयोग है सबके। हाँ उत्कृष्ट पल्ले है, क्षेत्र की दृष्टि से काम आता है, द्वीप समुद्रों की गणना उद्धार पल्ले से की जाती है। तो क्या कहा, 10-20 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक कल्प काल हुआ, और ऐसा एक कल्प काल नहीं ऐसे असंख्यात कल्प काल तक ये जीव एक इंद्रिय पर्याय पृथ्वी का एक जल का एक आदि के अंदर व्यतीत करता रहे, तब तक तो बाहर निकले नहीं। ऐसा पाप करने वाले इतना, अरे ऐसा पाप क्या निरंतर कर रहा है पाप, भूल आपको धर्मत्वादी ने पहले ही कह दिया, ऐसे क्या पाप अपने आप को भूल करके ये सारे दुख उठा रहा है। तो एक इंद्रिय पर्याय की बात की, अभी मैंने कितना कहा असंख्यात कल्प काल, अभी इतने में भी छुट्टी मिल जाए तो शुक्र समझो, इतना नहीं यहाँ से दोबारा निगोद में चला जाता है। निगोद से निकला था, पृथ्वी कायाधिक हुआ था, और पृथ्वी कायाधिक होकर के वहां करोड़ों सागरों तक, कोड़ा कोड़ी सागरों तक, और कल्प काल तक, और उत्कृष्ट कहें तो असंख्यात कल्प काल तक समय व्यतीत करने के पश्चात दोबारा ये जीव चला गया दुर्भाग्य से निगोद में, उसे कहेंगे इतर निगोद, और उस इतर निगोद का उत्कृष्ट काल है 2.5 पुद्गल परावर्तन। और पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं, इटोडरमल जी कहते हैं जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं उसे कहते हैं पुद्गल परावर्तन, से निगोद दशा में, और अनंत काल तक निगोद दशा के अंदर व्यतीत किया, और फिर वहां से निकल करके कहा आ गया कि पृथ्वी कायाधिक में आ गया कल्प कालों तक, और पृथ्वी कायाधिक से फिर निगोद में चला गया, और ये सिलसिला चलता रहा काल अनंत, अरे दुख का घन जाता रहा फिर भोगता रहा। ये बात की अभी अपन ने यहाँ पृथ्वी कायाधिक जो पृथ्वी से जुड़े, हाँ इसी तरह के होते हैं अवधान है, इनकी बहुत सूक्ष्म होती है, पृथ्वी उनका शरीर होती है, पर्वत आदि जो है बढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं, इनमें जीव है, मेरु पर्वत आदि के अंदर भी जीव है, सूर्य चंद्रमा आदि विमान दिखाई देते हैं, पृथ्वी का एक उनमें भी जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, एक इंद्रिय जीव, जीव निकल जाते हैं और स्थिति जीव की त्यों कायम रहती है। जैसे जम्बू शाल्मली वृक्ष आदि है, पृथ्वी का एक जीव है, वो उनकी आयु कितनी है कि उत्कृष्ट आयु होगी उनकी, जीव निकल गया वृक्ष नष्ट हो गया कि दूसरा जीव आ जाता है, अकृत्रिम है ना वो शाप को तना दिया जन, वो जो के त्यों बने रहते हैं पाषाण पृथ्वी का ही है, सूर्य चंद्र आदि के विमान है, ये विमान भी पृथ्वी का ही है, और जो पृथ्वी अपने को दिखाई देती है पृथ्वी पृथ्वी देखिए आप, तो निकलकर वहां से निकलकर ये सब हुआ। अभी तो आगे बढ़ने की बात करेंगे भाई, यहाँ से निकल करके कहाँ गया, अभी भावार्थ पढ़ता हूँ मैं इसका, दुखों की चर्चा शुरू की है अभी, तो ये एक इंद्रिय पर्याय की चर्चा शुरू की है, यहाँ से निकल करके त्रस्त पर्याय की प्राप्ति करना कितना दुर्लभ है, ये दुर्लभ नहीं, जो चिंतामणि की जो बात कही है ये बात गले उतरना आसान काम नहीं है, ये कितना दुर्लभ है, हमें तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा बुरा बिखेर दो यहाँ फिर देखो लाखों चीटियां, कितना सरल है। चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ कह रहे हो, कह रहे भैया उन अनंत जीवों की तुलना में एक इंद्रिय पर्याय से निकलकर दो इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना वास्तव में बहुत 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 दुर्लभ है, आसान नहीं, निकलता ही नहीं है। अब मैं तो मुझे वाड़ का जो उदाहरण दिया था आपको उसमें जिस चने के ऊपर निशान लगाया है, अब देखो मैं कब निकलूंगा, अब देखते रहो आप कितना लंबा काल निकल जाएगा,
फेंक दे रहा हूँ उसको, उछलने में चने निकलने में उसमें से वो निशान लगा हुआ चना कब आ जाएगा बीच में से, इतना लंबा काल लग जाता है। दुख भोगने के अलावा और कुछ काम नहीं है। भावार्थ देखिए आप, निगोद माने साधारण वनस्पति, मैं इस जीव ने एक श्वास मात्र जितने समय में 18 बार जन्म माने नया शरीर धारण करना और मरण माने वर्तमान शरीर का त्याग करके भयंकर दुख सहन किए हैं और वहां से निकलकर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक तथा प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न हुआ। देखो आप ये 3 नंबर फुटनोट और दिया है वनस्पति का एक जीव के बारे में। निगूत से निकलकर ऐसी पर्यायें धारण करने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। निगूत से एकदम मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि भरत चक्रवर्ती के पुत्रों ने निगूत से सीधी मनुष्य पर्याय प्राप्त की और मोक्ष गए। 32,000 इन्होंने छापा है यहाँ, 923 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, है ना? होते हैं क्या हुए थे? भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र ऐसे थे जो नित्य निगोद से निकले थे मनुष्य होकर के, और फिर उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की थी। कौन कर दो चीज को क्या पता? नित्य निगोद माहिते कड़ कर नर पर जाए पाए सुख दानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। चक्रवर्ती के पुत्रों के लिए प्रसिद्ध भजन है, उस भजन में ऐसी भैया भगवती दास जी का है कि गौरव किसका है भजन, उन्होंने ऐसी चर्चा की। नित्य निगोद माहिते कड़ कर, नित्य निगोद में से निकल कर, नित्य निगोद माहिते कड़ कर नर पर जाए पाए सुख दानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वही शिवरानी। सम्यक को लेकर के अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष लक्ष्मी का वरण कर लिया नित्य निगोद से निकले हुए जीव, महाभाग्यशाली जीव थे। अपवाद स्वरूप को बात समझनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत दुर्लभ बात है भाई। तो वनस्पति का एक आदि जीव के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर क्या हुआ? बताया ना, वो साधारण वनस्पति जो निगोद है, और प्रत्येक वनस्पति स्थूल वनस्पति जो दिखाई देती है वो वनस्पति, लौकी टमाटर आदि जो है तो प्रत्येक वनस्पति है, पेड़ पौधे आदि। और इनकी व्याख्या इस प्रकार की है शास्त्रों में कि जिस शरीर में शरीर का एक ही मालिक हो वो प्रत्येक वनस्पति है, और जिसमें शरीर तो एक हो और उस शरीर के मालिक अनंत हो वो निगोद है। मैं एक शरीर के अनेक मालिक हूँ वो क्या कहलाएगा? साधारण आलू आदि, समझ गई? देखिए अब यहाँ क्या कहते हैं, इन रूप में उत्पन्न हुआ। फिर अब आगे बढ़ने की बात करते हैं, अभी हम तो कहानी सुना रहे हैं कि साहब ये तो बहुत लंबी कथा हो गई, बहुत लंबा टाइम व्यतीत हो गया, करोड़ों सागर कूड़ा कूड़ी सागर और पुद्गल परावर्तन न मालूम कितने वहां व्यतीत करती है केंद्रीय पर्याय में, कि वहां से निकला कि नहीं, कि निकला था वहां से, वहां से नहीं निकला होता तो यहां तक कैसे आता। अभी तो हम चर्चा करेंगे तेरे यहां तक आने की, मनुष्य पर्याय तक आने की, किस तरह से कैसे कैसे संकटों को पार करके आया है। जैसे जो लोग मुल्तान समाज वाले हैं उनसे पूछो कि वहां से मुल्तान नगर से यहाँ जयपुर तक वे कैसे आए, वो मंदिर को लेकर के वहां से निकाल दिया गया, जो भी परिस्थितियां बनी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय, तो अब वहां से निकल करके यहाँ तक आने में जो दास्तान, जो दुख और संकटों की जो स्थिति, वो पूरे उनकी जो कथा आप पढ़ो, आप उनकी किताब पुस्तक इतिहास उनका, तो वो सब बात ख्याल में आती है। तो दौलत राम जी ये कह रहे हैं
कि तू यहाँ तक जो आ गया है तो एक बार देख तो सही रास्ते में कहाँ कहाँ से किधर से होकर के गुजरता हुआ आया है, कहाँ से गुजर के आया है तू, कौन कौन से संकट के रास्ते मार्ग तूने पार किए हैं, कौन कौन से स्टेप क्रॉस कर करके आया है। आज तेरे को महिमा नहीं आती है अपने एक मनुष्य जीवन की, तुझे इस जीवन की दुर्लभता का पता नहीं है, तेरे को इस जीवन की वर्तमान जीवन की जिसको तू भोगों में व्यतीत कर रहा है, विषयों में व्यतीत कर रहा है, खो रहा है इस मनुष्य जीवन को, दुर्लभ नर्तन पाए के विषयों में खोदीन, विषयों में दुर्लभ नर्तन प्राप्त करके खो रहा है, तुझे पता नहीं है ये मिला कैसे था। जो व्यक्ति बहुत मेहनत से पैसा कमाता है वो ऐसे ही नहीं उड़ाता है, उसे पता है कितनी दुर्लभता से आया है, और जिसको मुफ्त में मिल जाता है वो कहता है अरे यार ठीक है, जिस भाव आता है ऐसे ही कह रहे हैं कि तू एक बार समझ ले कितनी दुर्लभता से मिला है, जब इसको व्यतीत कर रहा है पूरा है ना, तो तुझे पता लगेगा मैं खो कैसे रहा हूँ यार, इसको कितनी दुर्लभता से मिला था, ये खर्च हो गया और ये खत्म हो गया तो फिर दोबारा मिलना कितना कठिन काम होगा, एक एक समय कितना कीमती है। तो मनुष्य भाव की दुर्लभता के संदर्भ में करेंगे अपन आगे बात, अभी तो यहाँ सड़क पर्याय की दुर्लभता की बात चल रही है, यहाँ तो बताना चाहते हैं ये तृक पर्याय की प्राप्ति भी बहुत दुर्लभ है। तृक पर्याय माने लट हो गया, चींटी हो गया, मक्खी मच्छर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, कह रहे हैं त्रियंच गति में तृक पर्याय की दुर्लभता और उसका दुख। क्या कहानी उसे है कथा सब कुछ करेगी कितने में गया, क्या मिला बोले भाव आया था उसी भाव चला गया, सही बात देव, हाँ सही बात है। त्रियंच गति में, अब त्रियंच गति की जो कथा है वो बहुत लंबी है भाई, त्रियंच गति की दास्तान बहुत लंबी है, क्योंकि त्रियंच गति में एक इंद्री दशा में भी रहा, त्रियंच गति में दो इंद्री पर्याय में रहा, त्रियंच गति में तीन इंद्री चार इंद्री और पंच इंद्री पर्यायों में रहा, सबसे ज्यादा अवस्था और सबसे ज्यादा जीव चतुर्गति में यदि कहीं है तो त्रियंच गति में ही है, सबसे ज्यादा जीव ही त्रियंच गति में चारों गतियों में, तो उस त्रियंच गति में इतनी अवस्थाओं में कितने रास्ते क्रॉस किए अपन ने, कितनी मंजिलें पार करता रहा, तो कह रहे हैं सर्वप्रथम तो तरफ पर्याय की दुर्लभता समझ लो आप, कि क्यों बतला रहे हो तरफ पर्याय की दुर्लभता, क्योंकि इस तरफ पर्याय की प्राप्ति हमने कैसे की थी उस एक इंद्री पर्याय से निकल करके, कि निकला कैसे था कि उतना ही दुर्लभ है कि समझ लो आप, जितना दुर्लभ बाढ़ में से चना निकलना, कि जितना दुर्लभ चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लेना है, और उसमें दुख क्या है वो दशा प्राप्त करके भी सुखी हो जाए। मैंने देखो यहाँ चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ कहकर के ये नहीं कह रहे हैं अब तो मौज मनाओ चिंतामणि मिल गया, नहीं नहीं, चिंतामणि मिलने के बाद भी दुखी रहा, बात तो यहाँ दुख की करना चाह रहे हैं, बात तो यहाँ परेशानी और कष्ट की करना चाह रहे हैं, यहाँ कोई आनंद में काल बिताया हो ऐसा नहीं है। चिंतामणि रत्न समान दुर्लभ इसको ये मनुष्य पर्याय त्रस्त पर्याय प्राप्त होने के बाद में भी दर दर मरियो सही बहुवीर, और यदि ऐसे दुख जो अतीत में भोगे हैं हमने, जो कथा यहाँ चल रही है बीच बीच में दौलत राम जी का वो कथन स्मरण आता है हमारे को, इसमें कहते हैं कि भैया जिन दुखों की हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिन दुखों की हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये सारी कथा और ये सारी चर्चा तो अतीत की है, ये सारी बातें तो हम तुम्हारे को पुरानी सुना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना भविष्य में यदि इस प्रकार के दुख नहीं उठाने हो तो समझ आपको, अपने को समझ, अपने आप को जान, अपने आप को पहचान और अपने आप में समझा, क्योंकि अपने आप को न जानने की वजह से ही भूल आपको। ये दौलत राम जी का कथन याद रखें, अपने आप को जाने, अपने आप के स्वरूप को पहचाने, और अपने आप के स्वरूप को पहचान कर जानकर उसमें लीन होकर इन दुखों से परमानेंट मुक्ति प्राप्ति कर ले। दुखों की चर्चा तो बहुत लंबी है, लेकिन बीच बीच में आनंद की चर्चा भी कर लेनी चाहिए, नहीं तो
वैसे ही भाग जाएगी भैया, यहाँ तो डराते हैं हमारे को, परेशान करते हैं भाई, बात डराने की नहीं है, यहाँ तो सच्ची बात बतला रहे हैं, ऐसी दशा हुई है, भविष्य में ऐसी दशा न होने, इसलिए अपने स्वरूप को जानकर पहचान कर उसी में हम लीन होने का प्रयास करें, इसी भावना से बात को विराम लें। माई भारती
जो द्वारा शाम जिन्हें मालूम होता है।